के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण पर सीएम योगी ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई, कहा देश की एकता अखंडता बनाए रखने में सरदार पटेल की विशेष है भूमिका। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद, एसएसपी ने कहा मुकदमा हुआ दर्ज, आरोपी की जल्द होगी गिरफ्तारी। स्वर्गीय रामपति यादव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सीएम योगी ने किया शिलान्यास, किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इसके स्थापना से क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा रोजगार, बनेंगे स्वावलंबी। सरदार पटेल की जयंती पर कलेक्ट्रेट परिसर से निकली रैली, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रताप नारायण सिंह जनता इंटर कॉलेज बरही के संस्थापक की प्रतिमा का सीएम योगी ने किया लोकार्पण, कहा शिक्षित समाज ही कर सकता है नए भारत का सृजन। पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने किया पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को याद, चेतना तिराहे पर स्थापित प्रतिमा पर किया पुष्प अर्पित, कहा देश के विकास में है इंदिरा जी की विशेष भूमिका। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने किया गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। जीएम ने सत्य निष्ठा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने की दिलाई शपथ। कलेक्टर कर्मियों ने किया सरदार पटेल को याद, 2 मिनट का मौन रख कर दी श्रद्धांजलि, लिया देश की एकता अखंडता का शपथ। मंडली रवि उत्पादकता गोष्ठी का हुआ आयोजन, किसानों की आय दोगुनी करने की दी गई जानकारी। गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के तत्वावधान में आयोजित हुआ दिवाली मेला फुलझड़ी, छात्राओं को दी गई उद्यमिता विकास की जानकारी। और जयंती पर अपना दल कार्यकर्ताओं ने किया सरदार पटेल को याद, दी श्रद्धांजलि।